फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं फैटी लीवर की। तो देखिए, आज की डेट में अनियमित खानपान और अनियमित दिनचर्या की वजह से फैटी लीवर नॉर्मली देखा जा रहा है। और फैटी लीवर की समस्या एक छोटी सी समस्या है और बड़ी समस्या को जनरेट कर सकती है। तो देखिए, लीवर एकदम क्रूशियल आर्गन है। इसको इस तरह समझ लीजिए कि शरीर के लिए प्रोसेसर का काम करता है। मीन्स शरीर में कौन सी कोशिका कितने टाइम तक और कौन सा केमिकल कितने टाइम तक रहेगा, इसको निर्धारित करता है लीवर। तो लीवर का स्वस्थ रहना एकदम जरूरी है ताकि लाइफस्टाइल हेल्दी रहे, प्लीजेंट रहे और खुशनुमा रहे। तो देखिए, हेल्दी लीवर और फैटी लीवर में बेसिकली डिफरेंस क्या है, तो जैसे इस फिगर में दिख रहा है ना, हेल्दी लीवर में जो कोशिकाएँ हैं उसके अंदर बस थोड़ी मात्रा में फैट जमा रहता है, लेकिन अगर फैटी लीवर हो गया तो फैट का अमाउंट बढ़ जाता है। बिगड़ती जीवन शैली और अस्वस्थ खान पान के कारण लीवर से जुड़ी समस्याएं होती हैं। फैटी लीवर वह स्थिति है जब लीवर की कोशिकाओं में गैर जरूरी फैट की मात्रा बढ़ जाती है और इससे लीवर को स्थायी नुकसान का खतरा रहता है। यानी फैटी लीवर वह स्थिति है जब लीवर की कोशिकाओं में फैट का अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए। बेसिकली थोड़ी मात्रा में फैट लीवर में इकट्ठा रहता है उसके अपने काम के लिए। अनुचित आहार के साथ नियमित और ज़्यादा मात्रा में शराब पीना, मोटापा आदि भी फैटी लीवर के जिम्मेदार होते हैं। आपको हमेशा स्वस्थ रहने खाने की कोशिश करनी चाहिए। शोधों के मुताबिक जिन लोगों में फैटी लीवर की समस्या होती है उन्हें भविष्य में डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है ना। तो फैटी लीवर को हल्के में न लें। फैटी लीवर की समस्या होने पर रोगी के पेट में सूजन बनी रहती है। अगर इस समस्या को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो वह आगे चलकर एक गंभीर बीमारी बन सकती है। इस समस्या में पेट में एक केमिकल बन जाता है, द्रव्य बन जाता है, क्योंकि रक्त और द्रव्य में प्रोटीन और एल्ब्यूमिन का स्तर रहता है। तो इस तरह से लीवर को स्थायी नुकसान न हो, फैटी लीवर को ट्रीटमेंट जरूरी है। तो फैटी लीवर की समस्या होने पर भूख का एहसास नहीं होता या भूख कम लगती है, जिसके कारण वजन कम होता रहता है। ऐसे मामले में जहां रोगी बहुत अधिक कमज़ोर या अशक्त हो जाता है, उसे इंट्रावेनस इंजेक्शन या केमिकल्स दिए जाते हैं, फूड सप्लीमेंट, ताकि उसकी लाइफ का प्रोसेस ठीक से चलते रहें। तो देखिए, जो फैटी लीवर है बहुत आसानी से ठीक हो जाता है, घबराने की कोई बात नहीं। बस ध्यान देने की ज़रूरत है और सचेत रहने की ज़रूरत है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो छोटी सी समस्या बड़ी समस्या में क्रिएट हो जाएगी। जब आपको अक्सर पेट में दर्द की शिकायत होती है तो इस लक्षण को गंभीरता से लें। अक्सर पेट में दर्द की समस्या बिना कारण नहीं होती है। फैटी लीवर की पहचान के लिए जान लें कि पेट के ऊपरे दाहिने भाग में या पसलियों के नीचे दाहिने भाग में दर्द की समस्या होती है। तो लीवर जो है राइट हैंड साइड में पाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे चार होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपकी फैटी लीवर को निश्चित ठीक कर देंगी। तो पहली दवा है चिलोडोनियम क्यू और दूसरी दवा है मैरिका क्यू। दोनों का मदर टिंचर ले लीजिए और दोनों दवाओं की 10-10 बूंद 3 टाइम 1 कप पानी में डाल के पीजिए। और दूसरी दवा है लाइकोपोडियम 200, डेली सुबह 4 गोली या 2 बूंद लेना है। और चौथी दवा नक्स बोमिका 30, डेली रात सोने के पहले 4 गोली या 2 बूंद। तो लीवर के फंक्शन को पता करने के लिए लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, इसको LFT भी बोलते हैं। SGPT या SGOT का टेस्ट से पता चल जाता है कि लीवर ठीक है या फिर ठीक नहीं है। तो इन दवाओं से आपका लीवर ठीक हो सकता है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।